दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देवबंद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई। पालकी यात्रा श्री दिगंबर जैन सरागवाड़ा मंदिर से प्रारंभ होकर जैन मंदिर बाहरा, जैन मंदिर कानूनगयान, मेन बाजार, एमबीडी चौक होते हुए जैन मंदिर नेचलगढ़ में पहुंची, जहां इंद्रों ने भगवान महावीर का सहस्त्र कलशों से अभिषेक किया। जैन समाज ने भव्य पालकी यात्रा निकालकर भगवान महावीर के संदेशों को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। इससे पूर्व जैन मंदिर कानूनगयान में कल सुबह जैन समाज द्वारा महावीर भगवान की वेदी पर चंदुआ चढ़ाकर श्री जी का अभिषेक, भक्तांबर विधान एवं भगवान महावीर की विशेष पूजा अर्चना की गई और रात में मंदिर प्रांगण में महिलाओं द्वारा महावीर स्वामी जी की बाल नाटिका व मातृशिला के 16 सपने दिखाई गए एवं बोलियों में भगवान का खवासी बनने का सौभाग्य श्रीपाल अतुल कुमार जैन व खजांची बनने का सौभाग्य महीपाल अजय कुमार जैन, दाय इंद्र मुनेश कुमार अनमोल जैन, बाय इंद्र संदीप कुमार नमन जैन को प्राप्त हुआ। अमन शास्त्री जी ने भगवान महावीर के जन्म पर प्रकाश डाला। पालकी यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। समिति के अध्यक्ष सुदेश जैन, महामंत्री प्रियांशु जैन, कोषाध्यक्ष मनीष जैन, विजेंद्र जैन, अनुज जैन, अनिल जैन, अंकित जैन, शुभम जैन, डा डी के जैन, पारुल जैन, रेखा जैन, अतुल जैन, संगीता जैन, अजय जैन, मोनिका जैन, पायल जैन, अंजलि जैन, शिल्पी जैन, नितिका जैन, विकास जैन, विपुल जैन आदि। आपका नाम? सुदेश कुमार जैन। जो जैन समाज द्वारा महावीर जयंती पे क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? जैन समाज द्वारा महावीर जयंती पर कानगवान मंदिर जी में एक भव्य चंदोया लगभग 14 किलो के चांदी का चढ़ाया गया कल, और उसके बाद पूजा प्रसाद हुई और रात को कार्यक्रम हुए, आरती हुई और पालना झुलाया गया और नाटिका हुई। आज सुबह पालकी यात्रा हुई, जो पालकी यात्रा सागवाड़े मंदिर से लेकर बाजार के मंदिर में आई, फिर उसके बाद कानगुए मंदिर में आई, फिर निचलगढ़ मंदिर में अभिषेक होके भगवान की को दोबारा मतलब यथास्थान बाजार के मंदिर में विराजमान किया जाएगा।